और कोरोना के कहर के बीच ऐसे हजारों लोग हैं जो जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं। ये मदद रोजमर्रा की चीजों से भी जुड़ी है। देखिए एक शख्स कैसे गांव तक मदद पहुंचा रहा है। कोरोना काल में मानवता की रक्षा करने वालों के हाथ भी कम नहीं उठे हैं। इन्हीं में से एक युवा है राकेश, जिन्होंने अपनी नई ऑल्टो कार को सब्जी और फल की चलती फिरती दुकान बना दिया। राकेश एक दिन में 20 गांव तक अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। इस काम में उनके साथी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पर अपने साथियों के साथ ये सेवा दे रहे हैं। कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन ज्यादा ही हो रहा है, तो इसकी वजह से हम मतलब गांव-गांव में जाके सब्जी दे रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग बाहर ना निकलें। स्वयं सेवियों के अलावा राज्य सरकार भी लोगों को घर घर कोरोना किट पहुंचा रही है, जिसमें दवाइयां, ऑक्सीमीटर और जरूरी दिशा निर्देश के पैम्फलेट्स दिए जा रहे हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको हम घर घर जाकर उनको हम मेडिकल किट्स दे रहे हैं। उस किट्स में ऑक्सीमीटर हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और जो भी एक प्रिस्क्रिप्शन रहती है प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, वो हम उनको डोर स्टेप पे दे रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन है। कोरोना महामारी समय के साथ सेवा भावना की परीक्षा भी ले रही है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति की कुंजिका से यह परीक्षा हम सबको पास करनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।